मेरा नाम बल्ली सिंह चीमा है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और उत्तरी भारत में जन कवि के नाम से मशहूर हूँ। और पिछले करीब 1.5 साल से मैं किसान आंदोलन में भी था, किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का। और पिछले 22 साल की उम्र से मैं आंदोलनों से जुड़ गया था और कविता लिखने मैंने शुरू करी तो 50 साल से मैं आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ मैं नहीं जा पाता हूँ वहाँ मेरे गीत जाते हैं लोग, मेरे ये नर्मदा आंदोलन के लोग भी मेरे गीत। एमरजेंसी को लेकर तो हर गीत में मेरे उसमें बात है, लेकिन ये जो एक मेरा गीत है, मौत के डर को छोड़ छाड़ के तू जीने के काबिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे या संघर्षों में शामिल हो, उसका एक बंद है। किसे पता था एमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, किसे पता था एमरजेंसी भेष बदल कर आएगी, तानाशाही नए दौर में लोकतंत्र कहलाएगी, ऐसा करके मन की बात में, ऐसा हो के मन की बात में जन की बात भी शामिल हो, जिंदा है तो सड़कों पे या संघर्षों में शामिल हो। विरोध तो नहीं है, हम सच्चाई को जानने के लिए आए हैं। और 3 दिन लास्ट 3 डेज हम जो संवाद यात्रा हमने की, ये तीनों जीवनशाला को हम देखा, छात्रों छात्रों को हम मिला और लोगों को भी मिला, किस तरह विद्यालय चलता रहता है और किस तरह पढ़ाई भी होता है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पहुँचे, आज तो भी बड़ा रैली भी है, इसलिए हम हाँ ये आप सामने हम बात रखनी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री नर्मदा बचाओ आंदोलनों का जो इतिहास को न पढ़कर न देखकर जिस तरह इंजाम लगाते हैं, और स्पेशली विशेष करके आज केवल नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेत्री नहीं है मेधा जी, हमारे देश भर में अहिंसक गणतांत्रिक आंदोलन का एक प्रतीक है और नेतृत्व देने वाली है, हर जगह दुनिया जानती है। तो उसको लेकर जिस तरह वाक्य जिस तरह पद व्यवहार किया जाता है अर्बन नक्सल इस तरह। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।